अशोक लेक्चरर चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं अपना अलेक्जेंडर को बीए फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और इसमें चौथा पोएट है फोर्थ पोएट है अलेक्जेंडर पोप। आज अलेक्जेंडर पोप की जो पोएम है डंसियाड, तो डंसियाड के बारे में जिक्र करेंगे। डंसियाड पोएम वैसे बहुत ही अच्छी कविता है जो देवी के एक प्रकार से रूप में इसे दिखाया गया है, देवी का वो रूप दिखाया गया है जिसमें वो उसे एक प्रकार से वो बना देती है, कभी बकरी बना देती है, कभी कुछ बना देती है, तो इस तरह के जो है उसे परिवर्तित करके उसे सुधारना चाहती है, जो उसके नौकर हैं या उसके जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें वो सुधारना चाहती है। देवी है, देवी का रूप है, लेकिन वो उसे कभी गधा बना देती है, कभी सुअर बना देती है, यानी कि इस तरह से बना के उसे सुधारना चाहती है अपने उत्तराधिकारियों को। तो इस रूप में ये पोएम है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके समझ में आएगी और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। इसकी पहले स्टेंजा है, इसका फर्स्ट स्टेंजा इसमें है, ही विल ड्रिंक विद लाफ्टर ऑफ द लाफ्टर रेन, डलनेस गुड फील रिपीट्स द जेस्ट अगेन, थ्री विक्ड एंड ऑफ हर ओन ग्रब स्ट्रीट चोर एंड सी चेक्ड लाइक कांग्रेस एडिसन एंड प्योर, नियर वार्नर विकिंस बल डुलिसी थॉट, ब्रीवल बॉन्ड डीजल एंड वेराइटी स्कॉच, करल स्क्रेचेस आफ्टर गे बट गे इज गॉन, हर ड्रेस एंड एम्प्टी जोसेस फॉर ए जॉब। तो इसके कुछ वर्ड मीनिंग भी हैं। इसका जो वर्ड मीनिंग है वो यही है कि जो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आए हैं जिनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जिक्र करेंगे, यानी कि रिंग शब्द आया है, रिंग RINGS, तो रिंग्स का मतलब है प्रतिध्वनि करना, प्रतिध्वनि का मतलब है आवाज़ से आवाज़ आ रही है उसको आप सुन रहे हैं, तो वो प्रतिध्वनि यानी कि आवाज़ जो गूंज कर आ रही है वो प्रतिध्वनि, या वेन, वेन का मतलब है अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इसके बाद में एक शब्द आया है डलनेस, डलनेस का मतलब होता है आलस्य की देवी, यहाँ आलस्य का मानवीकरण है। और जेस्ट, जेस्ट शब्द आया है, जेस्ट का मतलब है हंसी, और विक्ड, विक्ड का मतलब है शैतान, और इम्प, इम्प का मतलब है शैतान के बच्चे, IMPS, इम्प, इम्प मीन्स शैतान के बच्चे, और ग्रब स्ट्रीट चोर का मतलब है कंपनी ऑफ पर्सन ट्रेंड थिंग टुगेदर स्टैंड एट ग्रब स्ट्रीट, यानी कि ग्रब स्ट्रीट पर स्थित सामूहिक गान करने वालों की एक कंपनी, और डेक, डेक का मतलब होता है DECKED, डेक, डेक मीन्स रंगा हुआ, कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स होता है वो समर्पण स्थिति या वो समय जहाँ पर वो काल जो एक निबंधकारों का हुआ करता है, और प्योर, PRIOR, प्योर का मतलब होता है इसमें मैथुल, मैथ्यू क्रियोर नाम के हुए हैं, इन्हीं के नाम से ये क्रियोर वर्ड निकला है, मैथ्यू क्रियोर इसका पूरा नाम है। उसमें एक शब्द आया है नियर, और नियर का मतलब होता है स्पाइथी मोर एंड जेम्स, जेम्स की जो विचारधारा है या जेम्स की एक प्रकार से ऐसी विचारधारा जो संघर्षपूर्ण है स्थिति है वो विचारधारा। और इसमें वार्नर, वार्नर का मतलब होता है विलियम वार्नर, वार्नर का फुल फॉर्म में इसमें क्या लिया है, इसमें विलियम वार्नर लिखा है जो एक कवि है ट्रांसलेटर के रूप में। दूसरे विल्किन शब्द आया है, विल्किन शब्द का मतलब है ए जर्नलिस्ट। इसके बाद में डेलिसिव का मतलब है भ्रम आत्मक, और
वर्लेट का मतलब है दोस्त लोग, और ब्रेव बॉन्ड एंड बेजल का मतलब है पुस्तक विक्रेताओं के नाम, क्रल का मतलब है CRULL, क्रल का मतलब होता है एक प्रकाशन, और गे मीन्स जोहन गे, यानी कि जोहन गे जो एक विशेष कवि हैं उनकी उनका ड्रामा, और जोसेफ मीन्स होता है इसमें जोसेफ जो स्पेनिश कलाकार है या सैटरिस्ट है, एक कवि भी है स्वतंत्र कवि के नाम से जाना जाता है, नहीं तो जोसेफ स्टेल्स के नाम से जाना जाता है, तो जोसेफ है गे। इसके बाद में लास्ट वर्ड मीनिंग है इसका, यानी कि ग्रेस मीन्स होता है कैचिस या पकड़ लेता है। तो ये हो गए कितने वर्ड मीनिंग हो गए आपके। इसके बाद में अब मैं व्याख्या करता हूँ, इसकी व्याख्या यही है कि संपूर्ण स्वर्ग पृथ्वी से आकाश तक अट्टहास से घूम रहा है, और यह अट्टहास अहंकारी रानी का है जिसे डलनेस नाम के एक महारानी है, और यह रानी अपने पुत्र थियोबोल्ड के सिंहासन रेपण पर एक प्रकार से सिंहासनहीन है, और उसके हास्यप्रद जो कार्य है कार्य स्थिति है दौड़ है पुनरावृत्ति करती है उसके, उनके तीन दुष्ट शैतान लड़कों को जो ग्रेब स्ट्रीट की गायक मंडली के हैं बुलाया, और उन्हें कावरीन एडिसन और प्रायर की जो भांति एक प्रकार से सजाया गया या व्यवस्थित किया गया या सुसज्जित किया गया। विल्किंस मियर्स वार्नर भाग लेते हैं, ये कई नाम के हैं, विल्किंस मियर्स है वार्नर है, ये हिस्सा लेते हैं इसमें, और पुस्तक विक्रेता गुमनाम अनाम साहित्य के मुद्रक भ्रामक विचार है, इस तरह के इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं इसमें, वो भ्रामक हैं, भ्रामक का मतलब है कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ वे एक प्रकार से उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते या उससे अलग रहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उनकी ऐसी। और ब्रेवल बॉन्ड और बेजलेल जो व्यंग्यकार है दुष्ट पकड़ कर लाए गए हैं, और क्रूर जिसने गे के नाम से कविताएं प्रकाशित की है, गे पीछे दौड़ता है उसके और उसे पकड़ कर लाता है, परंतु गे भाग गया है वहां से छुटाकर भाग गया है गे, और गे वह क्रूर को एक खोखले के रूप में यानी कि एक खोखले को समझकर पकड़ लेता है, यानी कि क्रूर जो है एक ऐसी कमजोर स्थिति को देखकर क्रूर को पकड़ लेता है, और ये क्रूर समझकर उसे पकड़ लेता है, अंदाजा यही रहता है कि क्रूर है, लेकिन उसे दूसरे व्यक्ति को एक प्रकार से पकड़ कर लाता है वहाँ उनके सम्मुख, तो ये इन पंक्तियों में ऐसा है। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लाइन्स ऑन एडिशन फ्रॉम द गल्फियार रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब हाउ द गल्फियार द एस्केप इन द कंटेस्ट ऑपरेस एंड द ग्रेट राइटर फेल्ड टू केस दैम। तो इसका हिंदी में क्या है प्रसंग और संदर्भ का अर्थ यही है कि ये पंक्तियाँ अलेक्जेंडर पोप द्वारा रचित हैं और डंसियाड नामक कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि वर्णन करता है कि किस प्रकार से मूर्ख लोग दौड़ की स्पर्धा से डर कर भाग गए, और महान लेखक उन्हें पकड़ने के लिए असफल रहे, यानी कि पकड़ नहीं सके उन्हें। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन है इन इंग्लिश एंड बिफोर दैट इन हिंदी। एक्सप्लेनेशन, क्वीन डलनेस प्रेसिडाइड ओवर हीवन रैपिडली एंड लव्ड सो लाउडली दैट द होल ऑफ हीवन एश्योर्ड विद हर जेस्ट सी डेकोरेटेड थ्री नोट्रियस चिल्ड्रन ऑफ ए स्ट्रीट सिंगिंग कंपनी विलियम कॉन्ग्रेस जोसेफ एडिसन एंड मैथ्यू क्रियोल एंड लेफ्ट देम टू चेस
James Moore, Sykes, William Warner, and John White. The three dances, but they ran so fast and great writer could not catch them. Only three stunning booksellers named Breville, Pond, and Basil were kept. When Cruel tried catch Johann Geist and the letter to run away, and he could away the catch Joseph Spence, not Johann Geist. तो इसका हिंदी में अर्थ यही है, व्याख्या यही है कि स्वर्ग पर शासन करने वाली आलस्य महारानी बार बार जोर से हंसी की, संपूर्ण स्वर्ग उसकी हंसी से गूंज गया। उसने सब स्ट्रीट गायन कंपनी से तीन शैतान बच्चों को पकड़ा और उन्हें विलियम कांग्री, जोसेफ एडिसन, मैथ्यू प्रायर की तरह सजा दिया और रंग दिया, यानी कि उन्हें तीन मूर्खों जेम्स मूर, विलियम वार्नर, जॉन विकिल्स का पीछा करने के लिए छोड़ दिया गया। किंतु वे मूर्ख इतने तेज भागे कि महान लेखक उनको पकड़ ही नहीं सके। केवल तीन चालाक पुस्तक विक्रेता, जिनके नाम बीबल, बॉन्ड, बीजालाल थे, पकड़े गए। और जब गर्ल ने जॉन गे को पकड़ने की कोशिश की तो वह भी भाग गया। वह केवल जोसेफ स्पेंस को पकड़ सका और जॉन गे को नहीं। आलोचनात्मक टिप्पणी भी है इन पंक्तियों में। इट इज ए सैटायर अगेंस्ट द डन फेसेस, डल एज एंड द डल लिटरेसी ऑथर्स एंड पिजनेसेस, कमिंग बुक सेलर्स एंड नॉइजी सिटीज ऑफ पोप डे। इसका मतलब है कि ये मूर्ख विद्वानों का व्यंग्यात्मक प्रहार है। ये है साहित्यिक लेखक, साहित्यिक चोर, चालाक पुस्तक विक्रेता और पोप के समय के ही शोर मचाने वाले आलोचक। इसके बाद में दूसरी स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा पूरा हुआ। अब सेकेंड स्टैंजा है, सो प्रीशियस हंटेड इन ए नोबल स्टेट, बिकेम वहन साइज ए पपी और एन एग, टू हिम द गॉडेस सम थाई ग्रीक, ले डाउन एंड टर्न दिस होल एलिवेशन ऑफ द टाउन ऑन द टाउन, एज द सेज देन एक्सपीरियंस इन हर ट्रेड, बाई नेम ऑफ टोस्ट डिटेल्स इज बेटर जोर। तो इसके कुछ वर्ड मीनिंग भी हैं, जैसे प्रोटियस शब्द है। प्रोटियस एक जो बुद्ध लेखक है, बुद्ध लेखक का नाम है, जो एक प्रकार से विशेष लेखक के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसे एक प्रकार से मूर्खता की श्रेणी में माना गया है। चीज चीज का मतलब है पकड़ा गया, पपी का मतलब है पिल्ला, और एक का मतलब है बंदर, और ग्रीक का मतलब है दुख, और ले डाउन का मतलब है छोड़ दिया, और एलियसन एलियसन मीन भ्रम जाल, और सेज देन एस ए जी ई डी ए एम ई सेज देन मीन्स बुद्धिमान देवी, और टोस्ट मीन्स शुभकामनाएं, और रिटेल्स मीन्स बांटती है, और बेटर्ड जोट मीन्स होता है हारा हुआ खिलाड़ी। तो इसका मतलब ये है, हिंदी में बता दूं मैं इसे, इस प्रकार प्रोटियस एक श्रेष्ठ रूप में दृष्टिगोचर हुआ, और जब उसे झपट कर पकड़ा गया वह एक कुत्ता या लंगूर बन गया। देवी ने उससे कहा, पुत्र अपने दुख को त्याग दो और इस संपूर्ण भ्रामक स्थिति को नगर की ओर मोड़ दो। यानी कि पहले भाग गया था, देवी ने अपने मनोबल से उन्हें बुलाया, अपनी शक्ति से उन्हें बुलाया और उन्हें लंगूर बना दिया, कुत्ता बना दिया। और देवी ने उससे कहा, पुत्र अपने दुख को त्याग दो, तब वो कह रही है उन्हें उसमें चेंज करके, और तब उन्हें कह रही है था। और इस संपूर्ण भ्रामक स्थिति को नगर की ओर मोड़ दो, जैसा कि संत संरक्षिका ने अपने व्यापार या कार्य में अनुभव किया। वह शुभ कालनाव के नाम पर
फुटकर बिक्री करती है। जिल्टोन घोड़ों की अर्थात पराजित खिलाड़ियों को उनके मंगलमय भविष्य की कामना कर उन्हें सांत्वना देती है, यानी कि उन्हें तसल्ली देती है, वो तसल्ली देती है कि अपने जीवन में कुछ करो, संघर्ष करो, संघर्ष करने से सब कुछ मिलेगा जीवन में। ये नहीं कि हार के बैठ जाओ, हार के अलग बैठिए, या नौकरी नहीं मिल रही हार के बैठिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। नौकरी मिलना ना मिलना वो किस्मत ही बात है, मुकद्दर ही बात है, लेकिन प्रयास करते रहो, संघर्ष करते रहो, जीवन में सफलता जरूर मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती। बहुत से बेरोजगार ये कह रहे हैं मेरे से कि सर अब तक हमें जॉब नहीं मिली, जो नहीं मिला। प्रयास करो, देखो प्रयास करने से सब कुछ मिलेगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ नहीं है। अगर आप कोशिश कर रहे, हम कोशिश कर रहे, अब तक नौकरी पे नहीं लगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हम अपने जीवन को या बुढ़ापे को खो दे, ऐसा नहीं है। जीवन तो एक प्रकार से चलने का नाम है, और ये एक प्रकार से इन पंक्तियों में यही चीज़ दर्शाई गई है, यही बात इसमें बताई गई है। अब मैं व्याख्या करता हूँ उसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लाइन्स ऑन एडिशन फ्रॉम द डंसियर्ड रिटन बाय पोप। इन दीज लाइन द गॉडेस ऑफ डलनेस एनकोरेज दोज डंसेस हु आर कोच द रेस ऑफ दोज द गेम। अब इसमें हिंदी में बताता हूँ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को। ये पंक्तियाँ एलेक्जेंडर पोप द्वारा रचित लाइन्स ऑन एडिशन फ्रॉम द डंस यार्ड से ली गई है। इन पंक्तियों में आलस्य की देवी उन मूर्खों को प्रोत्साहन देती हैं जो प्रतिस्पर्धा से पकड़े गए हैं और खेल में हार गए। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है एक खेल प्रणाली जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रतिभा क्षमता दिखाता और इनाम पाता है, वो स्पर्धा। तो इसमें सबसे पहले इन पंक्तियों में आलस्य देवी जो मूर्खों का प्रोत्साहन देती है जो प्रतिस्पर्धा में पकड़े गए हैं और जो खेल में हार गए हैं। इसके बाद में व्याख्या है, व्याख्या करूंगा मैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। प्रोटियस हु लीजेंड टू ए हाई रेस वाज ए डांस ही वाज कोच इन द रेस ही वाज टर्न इन टू ए पपी और एन एट वन ही फेल्ट सेड एट इट द गॉडेस ऑफ डलनेस एड्रेस हिम एज हर सन एंड आस्क हिम टू गिव अप हिज सोरो एंड स्प्रेड द होल इल्यूजन ओवर द सिटी। इट वॉज इन दिस वे दैट इच डिफीटेड प्लेयर इन द गेम वॉज डिस्पोज्ड बाई द गॉडेस सी विच हैज बीन एंस्ट्रक्टेड टू इच डिफीटेड प्लेयर ऑफ हर ग्रुप। तो हिंदी में व्याख्या है, जब प्रोटियस जो उच्च वर्ग से संबंध रखने वाला एक मूर्ख था दौड़ स्पर्धा में पकड़ा गया तो उसे फौरन कुत्ते का पिल्ला और अथवा बंदर बना दिया गया और इस पर उसे बड़ा दुख हुआ। जब आलस्य की